नमस्कार। आज हमारे साथ हैं राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के अगुवा आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज। धर्मेंद्र जी महाराज, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। महाराज, आप अयोध्या का विवादित ढांचा गिराने के मामले में आरोपी नंबर एक हैं। क्या आपको लगता है कि मोदी और योगी की जोड़ी इस मामले को अंजाम तक पहुंचाएगी? भविष्य में क्या होगा ये कह सकना किसी के लिए भी संभव नहीं है, परंतु गोरक्षपीठ यानी गोरखनाथ मंदिर का राम जन्मभूमि से और हिंदू संगठन से बहुत पुराना संबंध रहा है। गोरखनाथ पीठ के जो पिछले तीन महंत हैं, महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, ये हिंदू महासभा के महान नेताओं में से थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ के थे और उन्होंने हिंदू स्वाभिमान की रक्षा के लिए, हिंदू संगठन के लिए और श्री राम जन्मभूमि के उद्धार के लिए निर्णायक नेतृत्व किया था। उनके उत्तराधिकारी महंत अवैद्यनाथ जी महाराज श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक नेता रहे हैं और आदित्यनाथ जी महाराज जो हैं वे तो जाने ही जाते हैं। हिंदू युवा वाहिनी का संगठन उन्होंने किया और गोरक्षपीठ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये स्वाभाविक है कि इस नेतृत्व के द्वारा यदि श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए कोई निर्णायक कदम उठाए जाते हैं तो स्वाभाविक है, उसमें कुछ अस्वाभाविक नहीं है। ऐसा हो और शीघ्र हो, ये सारे हिंदू जगत की कामना है। महाराज, राम मंदिर की बात करें तो हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास जी ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए सुलह समझौता किया जाए, जबकि नृत्य गोपाल दास समझौते के पक्ष में नहीं है। इसमें आप क्या सोचते हैं? नृत्य गोपाल दास जी एकदम 100% सोना है, 24 कैरेट की सोना नहीं है, 100% के सोना, 100% 100% कोई मिलावट नहीं है। और हमारा जो संप्रदाय है रामानंद संप्रदाय, उसके आदर्श हैं मणिराम छावनी और दिगंबर अखाड़ा, ये सब हमारा राम जन्मभूमि आंदोलन की मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। उन्होंने जो कुछ कहा है सब प्रतिशत कहा है। किससे बात की जाए, यानी घुसपैठियों से बात की जाए, जो आक्रमणकारी हैं उनसे बातचीत की जाए कि क्या हैसियत है मीर बाकी की और बाबर की, सिवाय अत्याचारी आक्रमणकारी आतताई के अतिरिक्त उनका किसी प्रकार का संबंध अयोध्या के साथ नहीं है। और यदि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण होता है तो शर्त लगाना कि हमारी मस्जिद भी साथ साथ बने, क्यों बने, किस लिए बने, वो कहीं भी बने लेकिन वो अयोध्या की सीमा में किसी और नई मस्जिद की इजाजत नहीं दी जा सकती। और नमाज पढ़ने के लिए अयोध्या के मुसलमानों के पास जगहें हैं, उनको और किसी मस्जिद की, नई मस्जिद की आवश्यकता नहीं है। महाराज, क्या लगता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर बन जाएगा? 2019 के चुनाव के पहले अब 17 आ गई है, केवल दो वर्ष बाकी रह गए हैं। और मैं बता चुका हूँ, कह चुका हूँ कि संवाद जो होता है वो अच्छे लोगों के साथ होता है, जो संवाद के योग्य नहीं है उनके साथ किसी प्रकार का संवाद नहीं होता। तो ये इसके लिए चाहिए इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए और वो इच्छा शक्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के शासकों में होनी चाहिए। उनको कानून लाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए और जो लोग उस कानून में बाधा डालते हैं उनका सामने करना चाहिए। जनता को मालूम पड़ेगा कि राम मंदिर के मार्ग में ये लोग बाधक हैं तो भाई जनता उनसे निपटेगी, संत लोग उनसे निपट लेंगे और मंदिर बनेगा। केवल वही मंदिर नहीं, हमारा भारतीय जनता पार्टी का वादा था अयोध्या काशी विश्वनाथ, अयोध्या मथुरा विश्वनाथ, तीनों लेंगे एक साथ। तो हमारे भगवान विश्वनाथ एक छोटे से कमरे में, जो जहां हम बैठे हैं इतने से कमरे में गर्दिश के दिन गुजार रहे हैं और मुख्य मंदिर जो है वहां पर बहुत बड़ी विराट मस्जिद बनी हुई है। मैं उसके उद्धार के लिए जेल भी जा चुका हूँ, अनशन भी कर चुका हूँ। और तो उसका उद्धार कब होगा? उद्धार होना चाहिए, कृष्ण जन्मस्थान का भी उद्धार होना चाहिए और विश्वनाथ मंदिर का भी उद्धार होना चाहिए, राम जन्मभूमि का तो होना ही होना चाहिए, फिर हमारी भोजशाला का क्यों नहीं होना चाहिए? वहां पर विजय वर्गीय महोदय, जिनके लिए मैंने रात को 12 बजे सभा की थी 1994 में, उसी एक सभा के कारण वो जीत गए थे और उसमें उनके पास केवल एक सेकेंड हैंड स्कूटर हुआ करता था। और आज उनके पास क्या है क्या नहीं है ये मैं मीडिया के महापुरुषों पर छोड़ता हूँ, वो ज्यादा जानते हैं। और उन्होंने ये दहेज दिया मुझे, ये भेंट दी, उन्होंने एक बार भी उसके पश्चात मुझसे नहीं पूछा कि भगवान मुझे कोई सेवा बताइए, सेवा बताते तो मैं उनसे कभी किसी से एक पैसा मैंने नहीं लिया तो उनसे क्यों लेता। परंतु ये
इनाम मिला मुझे कि वहाँ वाग देवी की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की जाए, उसके बजाय बेदा बेजा करके जो है वहाँ पर नमाज पढ़ा रहे, कैलाश विजयवर्ग की पढ़ा रहे। इससे बढ़कर के विश्वासघात मेरे साथ और हिंदू जनता के साथ क्या होगा? महाराज का लालकृष्ण आडवाणी को राष्ट्रपति बनना चाहिए, जैसे कि इन दिनों बातचीत चल रही है। बातचीत चल रही है या नहीं चल रही है, कितना उसमें सत्य है कितनी उसमें, यदि ऐसा वो कर नरेंद्र भाई ऐसा करते हैं तो एक अच्छा काम उनके हाथ से हो जाएगा। लालकृष्ण आडवाणी यदि भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, पहले तो राष्ट्रपति की सत्ता केवल हस्ताक्षरित एक सत्ता, मतलब केवल हस्ताक्षर करने की, हस्ताक्षरित नहीं, हस्ताक्षर करने वाली, दस्तखत करने वाली है। तो हम राष्ट्रपति को एक शोभा का पात्र न बना करके उसकी कोई निर्णायक भूमिका भी हो। संविधान में यदि एक संशोधन और होता है और राष्ट्रपति को एक जीवंत शक्ति हम बनाते हैं, सत्ता बनाते हैं, संस्था बनाते हैं, तो देश का लाभ होगा। तो ऐसी स्थिति में अन्यथा जैसी भी राष्ट्रपति की भूमिका है उसमें लालकृष्ण आडवाणी में क्या कमी है, क्यों न बने वो भारत के राष्ट्रपति, अवश्य बनना चाहिए। महाराज अगर आरक्षण की बात करें तो वर्तमान संदर्भ में आरक्षण देश के लिए कितना उपयोगी है? बिल्कुल उपयोगी नहीं है, संरक्षण होना चाहिए। प्रत्येक जाति को, प्रत्येक वर्ग को पूरा संरक्षण मिलना चाहिए और प्रतिभा को आगे बढ़ने का पूरा पूरा अवसर मिलना चाहिए, चाहे लिंग, गोत्र, जाति, समाज, वर्ग, सबकी सीमाओं से ऊपर उठ करके, और संरक्षण मिले, किसी के भी विकास में किसी प्रकार की बाधा न आए, ये कार्य, ये दायित्व, ये देखने का काम ये सरकार का, शासन का होना चाहिए। संरक्षण मिलना चाहिए आरक्षण में, इससे अनेक प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, मतलब समस्याएं उत्पन्न होंगी, अब निरंतर हो रही है। आरक्षण के लिए बड़े बड़े सत्याग्रह हो रहे हैं, जातियां संगठित हो रही हैं, हमको भी दो, हमको भी दो, हमको भी दो, क्यों दो, योग्यता को दो, जो योग्य हो वो पिछले से पिछले वर्ग का व्यक्ति और योग्य है, सुयोग्य है, उसको आगे से आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ये इस प्रकार का प्रावधान, इस प्रकार की सुविधाएं, इस प्रकार की व्यवस्था संविधान में और कार्य पद्धति में होनी चाहिए। हम बात कर रहे थे आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज से, वेब दुनिया से बात करने के लिए धन्यवाद महाराज।